हेलो एवरीवन, आज मैं एक स्नैक मूंग दाल समोसे बनाने वाली हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूंग दाल समोसे बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो इस प्रकार है। 250 ग्राम करीब मैदा, मूंग दाल पीली वाली, तेल, नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी, चाट मसाला, जीरा, धनिया पाउडर, हींग, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सौंफ पाउडर और अमचूर पाउडर। अब इसके लिए सबसे पहले जो भीगी हुई मूंग की दाल है उसको करीब 2-3 घंटे भिगो के रख दिया था। अब उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीसेंगे। दाल को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसको हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। दरदरा रखने पर स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, दाल को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे जिससे कि मसाले का फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसमें हींग, करीब 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर उसको भून लें। अब उसमें पिसी हुई मूंग की दाल डालकर अच्छे से मिक्स करें। आंच को थोड़ा कम ही रखेंगे जिससे दाल अच्छे से मसाला मिक्स कर ले। अब दाल को मिक्स करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर करीब आधा चम्मच और आधा चम्मच सौंफ पाउडर। अब अमचूर पाउडर आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच पाउडर डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर दें। मसाले दाल में अच्छे से मिक्स होने चाहिए और स्लो आंच पर ही उसको भूनेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच चाट मसाला डालकर अच्छे से मिलाएंगे। दाल को बहुत देर तक नहीं भूनना है, बस सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं उतना ही भूनना। करीब 3-4 मिनट तक भूनने के बाद जब मसाले अच्छे से दाल में मिक्स हो गए हम उसको अलग निकाल लेंगे। दाल का कलर बहुत ही अच्छा आया है, भूनने के बाद सारे मसाले उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट कलर आया है। अब हम मैदा लेंगे, उसमें नमक, आधा चम्मच ही नमक डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन जिसको हमें क्रश करके डालना है, क्रश करने से अजवाइन का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करने के डाल देंगे। अब उसमें करीब 4 बड़े चम्मच तेल का डालेंगे और इन सब चीजों को अच्छे से मैदा में मिक्स कर लेंगे। हमें सब तेल और सारे मसाले डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करना है और बांध कर देखना है। अगर हमारी मैदा का लड्डू
बनता है तो हमारी मैदा में परफेक्ट ऑयल पड़ा हुआ है और ये खस्ता बनेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे और आटे को गूंदते जाएंगे। आटे को ना ही तो बहुत ढीला गूंदना है और ना ही बहुत सख्त गूंदना है, जैसे हम मठरी का आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना है। अब आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे, उसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। आटा गूंथ कर करीब करीब तैयार हो गया है, ये देखिए इसमें कसूरी मेथी का कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आटा ना तो बहुत ही ढीला है और ना ही बहुत सख्त है, एकदम परफेक्ट आटा गूंदा है। अब उसको हम एक प्लेट से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे जिसमें हमें समोसों को डीप फ्राई करना है। ऑयल को हम तेज आंच पे पहले गरम कर लेंगे। इधर हमारी मैदा 10 मिनट रेस्ट करने के बाद एकदम परफेक्टली तैयार हो गई है। मैदा को थोड़ा सा लेकर उसकी लोई बनाएंगे। हमें समोसों को बहुत ज्यादा बड़ा आकार नहीं देना है, इसलिए हम लोई भी छोटे ही आकार की लेंगे। अच्छे से लोई को बनाकर अब हम उसे पूरी की तरह बेलेंगे। हमें इसमें ना सूखे मैदे का लगाने की जरूरत है और ना ही ऑयल लगाने की जरूरत है, ऐसे ही हमारा पूरी अच्छे से बेल जाएगा। पूरी को हमें ना ही बहुत बारीक बेलना है और ना ही बहुत मोटा बेलना है, मीडियम साइज का रखना है। ये देखिए बहुत बारीक बेलने पर भी समोसों का अच्छा नहीं दिखता। अब इसको बीच में से काट लेंगे। ये मैंने मैदा और पानी का घोल लिया है जो समोसों को पेस्ट करने के काम है, ऊपर से घोल लगाकर। और ये देखिए इसको किनारे से इस तरह से मोड़ना है, दोनों किनारे आपस में चिपकाकर इसको एक कोन का आकार देना है। जहां हम किनारे चिपका रहे हैं वहां हमें अच्छे से चिपकाना है जिससे हमारी परत खुले नहीं। अब ये कोन के आकार का बन गया। अब इसमें हम अपनी स्टफिंग जो हमने मूंग दाल का मसाला तैयार किया था उसे भर देंगे। इसको हल्का सा दबाकर और ऊपर से मैदे का घोल लगा देंगे किनारे पे और उसको अच्छे से दबा देंगे जिससे कि मसाला तलते समय निकले नहीं। अब ये देखिए हमारा समोसे का आकार तैयार हो गया है। इसी तरह से हम और भी समोसे बना लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल चेक करेंगे। हमारा तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत कम गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें समोसे धीरे धीरे करके डालेंगे और समोसों को पलटते हुए एकदम धीमी आंच पर सेकना है। ये देखिए आंच बिल्कुल धीमी है, नहीं तो समोसे की परत जल जाएगी और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये हमने गोली डाल के देखी थी तेल का आंच या टेम्परेचर चेक करने कि तेल कितना गर्म। अब लगातार समोसों को पलटते हुए हमें उन्हें तलना है। आंच को हमें अभी भी धीमे ही रखना है, हमारा समोसा तभी खस्ता बनेगा आंच धीमी रहेगी। अब ये देखिए समोसों को पलटते हुए समोसे में कलर आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। ये देखिए इसको एक बार फिर पलट देंगे। जब समोसे एकदम गोल्डन कलर के हो जाएंगे उनको कढ़ाई से निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल निचोड़ देंगे और
समोसे निकाल लें। ये देखिए आपके गरम गरम मूंग दाल समोसे तैयार हैं। इसे आप चटनी, इमली चटनी, हरे धनिए की चटनी या चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले समोसे हैं और बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा किसी सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो घर पे अवेलेबल सामग्री है उसी से बन जाते हैं। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 15-20 दिन के लिए आप एक एयर टाइट जार में इनको स्टोर करके रख सकते हैं।